एक्सरसाइज 5A का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 7P² - 8P+9 एंड यहाँ पे फर्स्ट साइड दी हुई है 2P² - P+1, सेकंड साइड दी हुई है 11P² - 3P+5। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बताना है, इस ट्राइंगल की थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। तो क्या कर लेते हैं ना, इस थर्ड साइड को लेट कर लेते हैं, लेट द थर्ड साइड भी, ठीक है ना, कि इसकी जो थर्ड साइड है मान लो वो क्या होगी, x होगी। अब यहाँ पे ना जब लेट करो तो बस इतना ध्यान रखना कि ये इन तीनों के वेरिएबल में से नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मींस यहाँ पे क्या वेरिएबल है, यहाँ पे p है, तो यहाँ पे आप p लेट नहीं करोगे, उसके अलावा कुछ भी लेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि जो पेरीमीटर होता है ना ट्राइंगल का, वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो इसलिए हम क्या राइट करें यहाँ पे, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, यही होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसकी तीनों साइड है यहां पे प्लस कर लेते हैं। पहली है कितनी, 2P² - P+1, ठीक है, प्लस। दूसरी कितनी है, 11P² - 3P+5। तीसरी साइड जो हमने लेट की है वो क्या है, एक्स है, ठीक है, इट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है, ये है 7P² - 8P+9। तो क्या कर लेते हैं अभी यहां पे ना, इनको ऐड कर लेते हैं ये वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो लाइक टर्म्स क्या है यहाँ पे, 2P² and 11P², ठीक है ना, 2P² + 11P² और यहाँ पे क्या है, -P and ये -3P, ठीक है। और कॉन्स्टेंट है यहाँ पे हमारे पास कितना, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, और यहाँ पे 5 है, ये इकट्ठे कर लिए हमने यहाँ पे x, और ये इसको राइट कर देंगे 7P² - 8P+9, ठीक है। तो देखो 2P² + 11P² ये कितना हो गया, ये हो गया 13P², ठीक है। यहाँ पे -P and -3P ये कितना हो गया, ये हो गया -4P, एंड यहाँ पे 1 + 5 कितना हो गया, ये हो गया 6, और ये प्लस x, इट इज इक्वल टू यहाँ पे ये राइट कर लो एज इट इज -8P+9। अभी क्या करें, इसको ना हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है ना, ट्रांसपोज कर देते हैं इसको उधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7P² - 8P+9, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस का है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का, प्लस 13 है तो यहाँ पे -13P², यहाँ पे ये माइनस है तो उधर जाके हो जाएगा +4P, यहाँ पे ये प्लस है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस। एक काम कर लेते हैं अभी लाइक टर्म्स को फिर इकट्ठा कर लेते हैं, तो यहाँ पे 7P², ठीक है, और ये कितना है -13P², यहाँ पे कितना है ये -8P और 8P है, ठीक है ना, और यहाँ पे +4P, ठीक है। कॉन्स्टेंट इकट्ठा कर लेते हैं इसके, तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे -6 है, इधर ले लेते हैं यहाँ पे, तो देखो 7P² - 13P², ठीक है। तो क्या करेंगे, 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6P², ठीक है। ज्यादा वाले के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे। अब देखो इसमें देख लेते हैं -8P + 4P, तो 8 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 4P, ठीक है। ज्यादा वाले के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव का, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन, यहाँ पे 9 में से 6 गया तो 3, ठीक है। तो ज्यादा वाले के साथ प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का साइन, तो ये आ गया -6P² - 4P+3, ये इसकी थर्ड साइड होगी इस ट्राइंगल की।